नमस्कारम सद्गुरु। जिस स्थान या जगह पर हम ध्यान करते हैं उसका कितना महत्व है? इस सवाल में गड़बड़ है। अगर मैं हाँ कहूँ तो परेशानी होगी, अगर मैं ना कहूँ तो भी परेशानी होगी। तो जवाब है हाँ और ना। हाँ, क्योंकि वाकई अलग अलग जगह अलग अलग कार्यों के लिए होती है। कुछ स्थान निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप ध्यान लिंग में बैठते हैं तो आप देखेंगे कि उसे उसी काम के लिए बनाया गया है। या ये भी हो सकता है कि कुछ खास लोग या परिस्थितियां ऐसी रही हों जिन्होंने कुछ जगहों को पूजनीय बना दिया है। तीर्थ यात्रा करने की वजह यही है कि लोग ऐसी जगहों की तलाश में जाते थे। पर इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि या तो आप ऐसे स्थान खोज सकते हैं या आप किसी स्थान को ऐसा बना सकते हैं। मुझे दूसरा विकल्प अच्छा लगता है, पर उसके लिए आपकी उपस्थिति असरदार होनी चाहिए। उपस्थिति असरदार होना यानी ये एक आसान व्यवस्था है। You have three dimensions of yourself right now. It can be further divided, but basically you have a physical body. अभी आपके 3 आयाम हैं, इसे और बांटा गया है, पर मूल रूप से आपके पास एक भौतिक शरीर है, आपके पास विचार और भावना की मानसिक संरचना है और आपके पास ऊर्जा शरीर है। इन 3 आयामों में कुछ कर्मों की छाप मौजूद है। इस कर्म की छाप के आधार पर आपका शरीर एक तरह से व्यवहार करता है, आपका मन दूसरे तरीके से व्यवहार करता है, आपकी ऊर्जा अलग तरीके से व्यवहार करती है। एक ही स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं। सभी आयाम, शरीर अलग बर्ताव करता है, मन अलग और ऊर्जाएं अलग बर्ताव करती हैं। अब एक तरह से हम ये देख रहे हैं, शांभवी मुद्रा प्रैक्टिस से लेकर हम यही देख रहे हैं कि इन्हें फिर से ऐसे व्यवस्थित करें कि पहली चीज हमेशा जीवन ऊर्जा हो। आपके जीवन में सबसे प्रभावशाली शक्ति आपका शरीर नहीं है, क्योंकि अगर शरीर प्रभावशाली शक्ति है तो ये अपनी छोटी छोटी मजबूरी भरी चीजें करेगा और वो बस यही कर सकता है। अगर मन सबसे प्रभावशाली शक्ति हो तो ज्यादातर समय आप अनजाने में कुछ भी करते रहेंगे। ठीक है, आप हमेशा आजादी के बारे में सोचते रहेंगे और जिस समाज में आप रहते हैं उसी की नकल करेंगे। बस यही होगा। हाँ, या तो आप उसकी नकल करेंगे या आप रिएक्ट करेंगे। दोनों तरह से आप अपने आसपास की चीजों के गुलाम हैं, क्योंकि मन ऐसा ही करता है। तो आपको खुद को ऐसे व्यवस्थित करना होगा कि आपका जीवन या जीवन ऊर्जा आपके जीवन में पहली चीज हो। यह सबसे प्रभावशाली शक्ति है। आपका शरीर और आपका दिमाग छोटी चीज बन जाए। अगर ये एक चीज हो जाए तो जगह मायने नहीं रखती। आप जहां बैठे वो ठीक है, आप जहां बैठे वो एक महत्वपूर्ण जगह होगी, क्योंकि आपका जीवन महत्वपूर्ण हो गया है। जब मैं जीवन की अहमियत कहता हूं तो मैं सामाजिक संदर्भ में नहीं कह रहा आप इस दुनिया में कितने महत्वपूर्ण है, बात वो नहीं है। एक जीवन के रूप में आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप जब एक जीव के रूप में सार्थक हो जाते हैं, सिर्फ तब आप देखते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आप जो भी करते हैं वो सार्थक होगा। साधारण काम, कठिन काम, बड़े काम, छोटे काम, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हर छोटे से छोटा काम शानदार होगा, बस इसलिए कि आप एक जीवन के रूप में महत्वपूर्ण हो गए हैं। अगर आप अपने शरीर को महत्वपूर्ण होने देंगे तो आप हमेशा बस शरीर की सेवा करना चाहेंगे। हमेशा अपने शरीर की सेवा करने की कोशिश में लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं। सिर्फ खाने, सोने, बच्चे पैदा करने और मर जाने में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ले रहे हैं। बस इसी बंदोबस्त में पूरी जिंदगी लग जाती है ना? और मानसिक बकवास लगातार चल रही है। बस कल्पना करें, अगर आपके विचारों और भावनाओं में मिठास हो और आपका शरीर ऐसा हो मानो है ही नहीं, तो आपका जीवन कैसा होगा? ऐसा ही होगा। बस कोई दिक्कत नहीं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आपके लिए सब ठीक है, क्योंकि एक जीवन के तौर पे आपको कुछ परेशान नहीं करेगा। परेशानियां सिर्फ शारीरिक और मानसिक होती हैं। बस यही होती हैं, है ना? पूरी दुनिया में आप बस इन्हें झेल रहे हैं, शारीरिक और मानसिक परेशानियां। अगर ये 2 चीजें बहुत छोटी हो जाएं, ऐसा नहीं है कि ये गायब हो जाएंगी, ये आपके जीवन में बहुत छोटी हो गई। अगर जीवन महत्वपूर्ण हो जाए तो आपको कोई तीर्थ, कोई जगह खोजने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं वो ठीक है। वाकई आपकी उपस्थिति जगह को महत्वपूर्ण बना देगी।